हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आज का क्या प्लान है? जा रहे क्या वहाँ पे जहाँ कल सोचे थे जाने का? देखेंगे, पता नहीं अगर जाने का मन करेगा तो जाएंगे, नहीं तो नहीं जाएंगे। आज मतलब एक नया जगह, तो बेसिकली स्टैचू ऑफ इक्वालिटी। यार मेरा मुंह कितना अंधेरा दिख रहा है, काला आदमी क्या करेगा अंधेरा ही दिखेगा। तो प्लान है स्टैचू ऑफ इक्वालिटी जाने का। लेट्स सी, अपने घर से पास में जस्ट 30 किलोमीटर हमारे घर से, सो आई थिंक तो नया जगह है। प्रधानमंत्री जी ने ओपनिंग किया है उसका, एंड एक नया चीज है हैदराबाद के लिए, बहुत बड़ी मॉन्यूमेंट है। तो लेट्स सी। हेलो फ्रेंड्स, तो हम लोग का लंच हो गया है, फिर हम अभी निकल गए घर से लंच करके। अभी ये हाईवे में है। क्या है ये हाईवे का नाम? तो ये पीवी नरसिम्हा एक्सप्रेस हाईवे है, पीवी नरसिम्हा राव एक्सप्रेस हाईवे। तो बेसिकली मासब टैंक से जो फ्लाईओवर जाता है शमशाबाद एयरपोर्ट की तरफ, ये वही वाला है। तो घर से 33 किलोमीटर एग्जैक्टली दिखा रहा था, तो अभी हम लोग 2-3 किलोमीटर आगे निकल चुके हैं। अभी तो 28 किलोमीटर दिखा रहा है हम लोग। एंड मैप में जो एयरपोर्ट की तरफ जो रोड जाता है वो है फ्लाईओवर, जहाँ पे एंड होगा वहाँ से स्ट्रेट ही हमको निकलना पड़ेगा। तो ये बैंगलोर हाईवे की तरफ है, एग्जैक्टली बैंगलोर की तरफ जो हाईवे निकलता है उधर है। स्टैच्यू और मंदिर के लिए आपको इधर आना पड़ेगा पार्किंग के लिए। तो कार पार्क करके अभी चले, इधर आगे से भी लोग जा रहे हैं और इधर से भी एंट्री है। तो देखो, अभी पूरी तरह से ये ऑर्गेनाइज नहीं हुआ है, ग्रेजुअली थोड़ा टाइम और लगेगा कम्प्लीटली इसको ऑर्गेनाइज करके करने के लिए। वहाँ से भी एक रोड है, शायद वहाँ से गाड़ियाँ कुछ जाते हुए दिखी हैं, यहाँ से आपको वॉक करके जाना पड़ेगा। प्रॉपर मैप बना दिया है इस जगह का, एंड दैट साइड इज द एंट्री। यहाँ पे बसेस वगैरह सब पार्क किए हुए हैं। तो ये खाने का एरिया बनाया गया है, पब्लिक डाइनिंग करके लिखा है, ये हैंड वॉश का भी इंतजाम है। काफी बड़ा एरिया है, हो सकता है नीता बजरी खाने का देते क्या? ऑब्वियसली कुछ ना कुछ फूड का इंतजाम है। मैं तो थक गया, मतलब पार्किंग से हम लोग कितना दूर आ गए हैं, करीब करीब 1 किलोमीटर तो आ गए हैं, और मेरा मास्क कर्तव्य कर रहा है। देखिए, कैन यू डू दिस?
चलिए अभी और आगे जाना बाकी है तो जैसे हम लोगों ने एक्सपेक्ट किया था एग्जैक्टली वैसे ही हुआ है। एंड बाउंड्री के चारों तरफ चक्कर मार रहे हैं हम लोग क्योंकि अभी अंदर जा नहीं सकते बिकॉज द प्रेसिडेंट ऑफ आर कंट्री इज इनसाइड। सो आइडियली आई थिंक सो एक्स प्रेसिडेंट है ना करंट प्रेसिडेंट और इसको लग रहा है एक्स प्रेसिडेंट। पीएम नहीं रहे प्रेसिडेंट पीएम इज नरेंद्र मोदी हु मिस्टर नरेंद्र मोदी हु डिड द इनॉग्रेशन एंड दूरदर्शन न्यूज़ वगैरह सब कोई है यहाँ पे। ये देखिए पूरा न्यूज़ चैनल्स आर कवरिंग हिज एंटायर टूर फॉर दिस प्लेस और वेट तो करना पड़ेगा अभी हमको मतलब आई थिंक सो हाफ एन आवर 45 मिनट्स हो सकता है 1 आवर तक वेट भी करना पड़े बट जब आए हैं तो देख के ही जाएंगे। तो काफ़ी टाइम लग रहा है अंदर जाने में और लंबी लाइन है काफ़ी लंबी लाइन है। तो इनफैक्ट अब अंदर जाने में कितना टाइम लगेगा वो पता नहीं आई थिंक सो प्रेसिडेंट का प्रोग्राम अभी भी चल रहा है। एक मिनिमम 3 किलोमीटर का वॉकिंग तो आज हो गया हम लोगों का मिनिमम साइड पे। अभी एक जगह में चप्पल छोड़ा था फिर गए थे अंदर फिर घूम के रिटर्न आके चप्पल लेके जा रहे हैं। सो बेस्ट है कि आप अपने गाड़ियों में चप्पल छोड़ दीजिए आइए और वापस जाइए इतना चलना तो भाई हालत ख़राब हो जानी है।
फ्रेंड्स हमारा हालत तो देखिए पूरा पसीना पसीना सही में यार, एक 6-7 किलोमीटर तो चले होंगे आज। 6-7 यार, मिनिमम तो 5 किलोमीटर होगा। मतलब एंट्री एक जगह, मतलब पार्किंग एक जगह है, उसका एंट्री एंट्री तक पहुंचने में हमको करीब करीब 2-2.5 किलोमीटर लग गया। और मतलब चप्पल को लेके तो अलग कहानी। अब बाय द वे, मतलब अभी पूरी तरह से स्टार्ट नहीं हुआ है, सो फॉर ऑल ऑफ योर इन्फॉर्मेशन, जो मंडप वगैरह है, जो मेन क्या बोलेंगे कोर्टयार्ड में जो मंदिर वगैरह है, वो अभी भी स्टार्ट नहीं हुए हैं। तो अभी उन्होंने क्या किया है, एक टेम्पररी सोल्यूशन के लिए बाहर में ऑप्शन कर दिया है कि वहाँ पर आप जाके पूजा वगैरह कर सकते हैं। बाकी अंदर का तो अभी काफी काम चल रहा है, मतलब बहुत ज्यादा काम चल रहा है, काफी काम पेंडिंग है इनफैक्ट, बट इट इज एन ऑसम एक्सपीरियंस। दिखा दे, हाथ पेन हो रहा है, मैं पकड़ लेता हूँ। सो बेसिकली क्या हुआ कि आज बिकॉज द प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री वॉज हियर, तो उसकी वजह से थोड़ा सा मतलब काफी कंट्रोल्ड तरीके से लोगों को छोड़ा जा रहा था अंदर, अदरवाइज इतना रश नहीं होता। मतलब जिस तरह से उन्होंने, क्योंकि सिक्योरिटी इश्यूज के वजह से काफी कंट्रोल तरीके से सबको अंदर जाने दिया। एंड आई थिंक सो वी आल्सो सॉ द बहुत सारे मिनिस्टर लोग आ रहे हैं ना, जो सिविल एविएशन मिनिस्टर है उनको तो हम लोगों ने देखा। एंड देन वेरी टायर्ड, एंड चप्पल को तो लेके तो अलग स्टोरी चला। तो चप्पल खोलने का पॉइंट एक है, तो आइदर आप गाड़ी के अंदर अपने चप्पल खोल के आप चले जाइए, या तो फिर अगर अंदर जाके आप चप्पल ओपन कर रहे हो, तो वो अभी हमारे साथ हुआ, आगे जाके पता नहीं एक फुल सर्कल घूम के हम लोग आए, एंड उसके लिए हमको करीब करीब वो 1.5 किलोमीटर चलना पड़ा, और वो चप्पल लेने के लिए दे भी नहीं रहे थे, वो ऑलमोस्ट लड़ाई होने वाली थी, काफ़ी लोग मतलब धक्का धुक्की हो रहा था। एनीवेज वापस आ गए, ख़त्म। चलो आज के लिए तो इतना ही। कब लोग यहाँ पे एंड कर रहे ले ले। तो आप लोग को कैसा लगा कमेंट करके बोलना, और आप लोग आके ये देख सकते हो, अच्छा है। अच्छा है स्टैच्यू, तो मतलब दूर से देखने से लगता है कि यार क्या है ये, मतलब उतना नहीं होगा, बट ऑनेस्टली लग रहा था एक 10 या 15 मंजिला बिल्डिंग के सामने खड़े हैं। इट्स ह्यूज, बहुत बड़ा है, बहुत अच्छा लग रहा था देखने में। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का ब्लॉग मैं यहाँ पे एंड कर रही हूँ। आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइए, और आप लोग अगर यहाँ पे आके घूम के जा रहे हो तो बोलना कि आप लोग को कैसा लगा। तो कल मिलते हैं और एक नया ब्लॉग के साथ। बाय बाय, गुड नाइट, गुड नाइट।